थर्ड नॉर्मल फॉर्म को हम लोग एडिक्वेट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं. एडिक्वेट क्यों कहते हैं? क्योंकि टिल थर्ड नॉर्मल फॉर्म इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू गेट गुड डिकम्पोजिशन. ठीक है, हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक गुड डिकम्पोजिशन ला सकते हैं, लेकिन उसके आगे डिकम्पोजिशन गुड आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती. मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा गुड डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है. पर सिंपल ऐसे समझो, हमारे पास वो टेबल है जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में थी, हमने उसको से मल्टीपल टेबल्स में ब्रेक करा और हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमारे कुछ टेबल्स आ गई. जैसे हमने आपको मेथड सिखाया था कट करना है और सॉन्ग इस टाइप से. ठीक है, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास टेबल्स आ गई और उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर ब्रेक करा टेबल्स को मल्टीपल टेबल्स में और कुछ थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास टेबल्स आ गई एंड सो ऑन. थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हमारी गारंटी है कि गुड डिकम्पोजिशन आएगी. मतलब बहुत सारे तरीके होंगे मेरे पास एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स में ब्रेक करने के. एक तरीका तो मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग लेफ्ट, जो भी कल्प्रिट होता है लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब जो भी कल्प्रिट एफडी है उसके लिए हम नई टेबल बनाते थे. टेबल बनाने के लिए हम क्या करते थे लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर निकालते थे, जो भी एट्रीब्यूट आते थे एक्स्ट्रा वाले, और जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसको हम एक नई टेबल बना देते थे, और जो राइट हैंड साइड में जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आए हैं उनको हम लोग कट करते जाते थे एंड सो ऑन. वो सारा तरीका मैंने आपको समझाया था हम लोग कैसे डिकम्पोजिशन करते हैं. बट दैट इज वन ऑफ द वे. ठीक है, और भी बहुत सारे वेज हैं, बट खैर जो भी है हमारे पास कम से कम एक तरीका ऐसा जरूर निकलेगा जो कि हमें गुड डिकम्पोजिशन देगा. ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म. लेकिन उसके आगे अगर हम लोग आगे फर्दर सब डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, बीसीएनएस तक जाते हैं या फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि हमारे पास गुड डिकम्पोजिशन आएगी. ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि गुड डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है. देखो, हमने लिखा है कि अ डिकम्पोजिशन इज सेट टू बी गुड इफ फॉलोइंग टू कंडीशंस होल्ड्स. ठीक है, क्या क्या कंडीशंस है? पहली, डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस, और सेकेंड, ऑल एफडीज आर प्रिजर्व्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये भी क्वेश्चन गेट में आया था, प्लीज याद रखना. एफडीज को हमें प्रिजर्व करना होता है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो. वो सब कैसी होंगी वो मैं आपको धीरे धीरे जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो क्लियर करूंगा कि हम लोग कैसे डिकम्पोजिशन, मतलब ये एफडी कैसे हम लोग प्रिजर्व करते हैं. डिकम्पोजिशन इज लॉसी और लॉसलेस, उसके लिए मैं आपको छोटा सा तरीका समझाता हूँ कि हम लोग कैसे पता लगाएंगे. आई थिंक आपको कॉमन सेंस से भी समझ में आएगा. जैसे एक रिलेशन स्कीमा आर थी, हमने उसको मल्टीपल टेबल्स में ब्रेक कर दिया. ब्रेक करने के बाद मैं इन टेबल्स का आपस में नेचुरल ज्वाइन करवाता हूँ. सॉरी, नेचुरल ज्वाइन करवाया, जैसे हमने इस टाइप से कुछ कुछ नेचुरल ज्वाइन करवाने के बाद हमारे पास आर डैश नाम की टेबल आई. मतलब एक ही टेबल बनेगी इन सबको ज्वाइन करने से, और आर मस्ट बी इक्वल टू आर डैश, मतलब दोनों टेबल एकदम एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि जो हमने डिकम्पोजिशन करी है वो लॉसलेस है, अदरवाइज वो लॉसी है. लॉसी मतलब डेटा कोई ना कोई लॉस हुआ होगा. ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. जैसे रिलेशन स्कीमा आर है एक हमारे पास, उसके अंदर चार एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी, वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8. हमने इस टेबल को डिकम्पोज कर दिया दो टेबल्स के अंदर, एक आर वन और एक आर टू. आर वन हम मान लेते हैं ए बी और आर टू हम मान लेते हैं सी डी. ठीक है, तो अब ए बी में 1 2 5 6 और सी डी में क्या आएगा 3 4 7 8. ओके, अब हम आर वन और आर टू का आपस में नेचुरल ज्वाइन करवाते हैं. तो आप मुझे बताओ आर वन नेचुरल ज्वाइन आर टू में क्या आएगा. ठीक है, आर वन नेचुरल ज्वाइन आर टू में ए बी सी डी आएंगे. और कैसे आएंगे? क्योंकि इसमें कुछ कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, तो याद करो मैंने आपको समझाया था अगर कुछ कॉमन नहीं है तो नेचुरल ज्वाइन इज कन्वर्टेड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप हम लोग काम करेंगे, तो हमारे पास कैसे आएगा, मतलब एक एक टपल को पकड़ के सबके साथ लिंक कर देंगे. तो 1 2 3 4 देन 1 2 7 8 5 6 3 4 5 6 7 8. ओके, सो हमारे पास फाइनली ये टेबल आ गया. अब आप मुझे बताओ, और इसका हम नाम रख देते हैं आर डैश. तो आप मुझे बताओ क्या आर और आर डैश सेम है? ऑब्वियसली सेम नहीं है, इसमें तो दो ही टपल है लेकिन इसके अंदर चार टपल है, तो ये एक किस्म, ये डिकम्पोजिशन लॉसी है. अब एक माइंड में आपकी बात आ सकती है लॉसी मतलब क्या होती है, कुछ ना कुछ कम हो, मतलब डेटा कुछ ना कुछ लॉस हो, तो यहाँ पे तो कुछ एक्स्ट्रा ही आ रहा है तो आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, हम इसको लॉसलेस ही मानेंगे. क्यों लॉस, सॉरी, हम इसको लॉसी ही मानेंगे. क्यों लॉसी मानेंगे? क्योंकि ऐसे समझो, हमें पता था कि 1 2 जो टपल है एक ही सम से वो 3 4 के साथ लिंक है, और 5 6 जो है वो 7 8 के साथ लिंक है. तो अल्टीमेटली 1 2 3 4 एक टपल बन रहा था और 5 6 7 8 एक दूसरा टपल बन रहा था. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 तो आ रहा है
बट यहाँ पे साथ साथ 1, 2, 7, 8 एक और एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अब 1, 2 जो था, मतलब हम कहते हैं कि जो 1, 2 एक किस्म से मान लो कि कुछ एट्रीब्यूट है, 1, 2, 3, 4 के साथ भी है और 7, 8 के साथ भी है उस टेबल के अंदर, तो हमें अब एग्जैक्ट टेबल में जो था वो एग्जैक्ट डेटा तो हमें नहीं मिला ना, क्योंकि एग्जैक्ट टेबल में 1, 2, 3, 4 के साथ लिंक था। बट अब मैंने क्या करा, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 7, 8, दैट मींस जो हमारा एक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था वो एक किस्म से लॉस हो गया है। ऐसे समझ लो, अगर मैं सिंपल ऐसे बात करूं तो स्टूडेंट और बुक इस टाइप से कुछ था, तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सी बुक इश्यू करवा रखी है। अब आपने क्या किया है, एक स्टूडेंट को दोनों की दोनों बुक्स दे दी, तो बहुत ही अजीब बात हो जाएगी, तो हमें पता नहीं लगेगा कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सी बुक इश्यू करवा रखी है। तो एक किस्म से हम इसे लॉस ही मानेंगे, ठीक है। एक बात बेसिक सी याद रखना, जब हमने टेबल को डिकम्पोज किया है और आर डैश आई है, तो आर डैश विल बी या आर विल बी सबसेट ऑफ दिस आर डैश, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आर डैश में टपल कम हो और आर में टपल ज्यादा हो। आर डैश के अंदर हमेशा टपल या तो ज्यादा होंगे या बराबर होंगे। अगर ज्यादा होंगे तो ऐसे समझो ये एक इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, 1, 2, 3, 4, ये इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मेरा एक किस्म से लॉस हो गया है। मतलब जो स्टूडेंट था वो किसने पर्टिकुलर ये वाली बुक इश्यू करा रखी थी, बट अब मैंने स्टूडेंट को दोनों बुक दे दी है, तो मुझे पता नहीं लग रहा कि कौन से स्टूडेंट के पास कौन सी बुक है। तो एक किस्म से मेरी जो इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो लॉस हो गई है, ठीक है, इसीलिए हम इसको लॉस ही कह रहे हैं। ओके, सो फाइनली अब हम क्या कहेंगे कि जो आर डैश होगा उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टपल्स ही आएंगे आर से, अगर लॉसी होगा तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टपल्स आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास टपल्स कम आ गए, ठीक है, या तो ज्यादा आएंगे या बराबर आएंगे। अगर बराबर आ गए तो हम बोल देंगे लॉस लेस है, और अगर बराबर नहीं है मतलब ज्यादा आ गए तो हम बोल देंगे कि लॉसी है, ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना। तो फिलहाल इस एग्जांपल में हमने देखा कि टपल कुछ एक्स्ट्रा आ रहे थे, सो दैट मींस इट इज लॉसी। अब एक लॉसलेस का एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूं, उससे थोड़े हमारे कंसेप्ट और क्लियर होंगे। जैसे हम यही टेबल लेते हैं, ओके, सो वी हैव द सेम टेबल आर, उसके अंदर वही चार एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी और वही वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और R1 जो टेबल है उसको हम लोग मानते हैं ए बी, और R2 टेबल में हम ले लेते हैं BCD। तो AB में क्या आएगा 1, 2, 5, 6 और BCD में 2, 3, 4, 6, 7, 8। अब आप R1 और R2 का नेचुरल जॉइन करवा के देखो और देखो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, जिसको हम R डैश बोल रहे थे। सो R1 नेचुरल ज्वाइन R2 जिसको हम R डैश कह रहे थे, उसमें क्या क्या आएगा A B C D, क्योंकि कॉमन एट्रीब्यूट मिले पेयर और इवंस और नेचुरल ज्वाइन करवाना हमें आता ही है। तो हम पहला टपल पकड़ेंगे 1, 2 और मतलब 2 देखेंगे कहाँ कहाँ 2 है, वो सारे टपल उठा के लिखेंगे, तो मतलब 1, 2, 3, 4, उसके बाद और कोई मैच होगा नहीं, तो 5, 6 के साथ ये मैच नहीं होगा बट ये मैच हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 5, 6, 7, 8। तो अब हम खास बात क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो R डैश आया है वो एग्जैक्टली सेम है R के, आप चेक कर सकते हैं R डैश एंड R आर एग्जैक्टली सेम, तो ये डिकम्पोजिशन क्या होगी, लॉसलेस, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग अब फिलहाल क्या कह पा रहे हैं, R इज सेम एज R डैश, हेंस द डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस, ठीक, ओके। अच्छा, अब एक बात ये सोचो कि लॉसलेस एग्जैक्टली आई क्यों है, इसीलिए आई है क्योंकि इनके अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट था, इन दोनों टेबल्स के अंदर, मतलब जो भी हमने डिकम्पोज किया एक्चुअल टेबल को, उन एक्चुअल टेबल के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट था वो यूनिक चल रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये प्लीज ध्यान से सुनना, वो यूनिक चल रहा था जिसके कारण हमारे पास हर एक मतलब यहां से एक टपल को पकड़ के वहां पे सिर्फ एक ही टपल पकड़ में आया। यही चीज हमें यहाँ चीज से 1, 2 के साथ सिर्फ 3, 4 लिंक हुआ था, अभी भी फिलहाल 1, 2 के साथ 3, 4 ही क्यों लिंक हुआ है, क्योंकि हमने 2 को एज ए कॉमन एट्रीब्यूट माना था, मतलब जो बी है जो हमारा कॉमन एट्रीब्यूट है वो यूनिक चल रहा है, ठीक है। अगर वो यूनिक चल रहा होगा तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हमारे पास लॉस लेस ही डिकम्पोजिशन आएगी। आई थिंक कारण समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं एक बार और फटाफट से बोलता हूँ। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है अगर वो यूनिक चल रहा होगा, और यूनिक चलने के कारण क्या होगा कि हम लोग जब नेचुरल जॉइन करवाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से जो पहला टपल पकड़ेंगे दूसरे टेबल में सिर्फ एक ही जगह वो मैच करवाएगा,
जिसके कारण हमारे पास आंसर में आएगा। ठीक, ओके। तो ये एक किस्म से हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखना, हम इसको आगे चल के यूज करेंगे। लेकिन अगर ये यूनिक ना होता, अगर बी यूनिक ना हो, अगर हम यहाँ पे भी टू मान लें और मान लो यहाँ पे भी हम लोग टू मान लें, मतलब यहाँ पे भी टू होता और हम अब ज्वाइन करवाने की कोशिश करते हैं, तो समझ लो जैसे हमने ए बी अलग कर लिया और बी सी डी अलग कर लिया, तो अगर हम अब नेचुरल ज्वाइन करवाएंगे तो पहला टपल पकड़ेंगे 1 2, उसके बाद फिर दोनों टपल लिंक होंगे, और बस दोनों टपल लिंक होते ही हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी कुछ ना कुछ, मतलब यू कैन से कि एक्स्ट्रा टपल्स आएंगे, और एक्स्ट्रा टपल आते ही हम क्या कहेंगे कि डिकम्पोजिशन इज लॉसी। ठीक है, तो हमें बस छोटी सी बात आप माइंड में रख सकते हैं कि जो भी कॉमन एट्रीब्यूट हो, अगर उसके हम किसी तरीके से गारंटी कर पा रहे हैं कि वो यूनिक है, तो डिकम्पोजिशन लॉसलेस दे सकता है। दैट इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें माइंड में रखना है। इस चीज का मैं यूज आगे चल के बहुत दिखाऊंगा आपको, जब हम लोग चेकिंग करवाएंगे कि डिकम्पोजिशन लॉसी है या लॉसलेस है, उसके लिए बाइनरी मेथड आएगा, वहां पे मैं इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, एक छोटी सी बात और याद रखना, मैंने थर्ड नॉर्मल फॉर्म को क्या बोला है, एडिक्वेट, मैंने परफेक्ट नहीं बोला। अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म परफेक्ट होती तो बीसीएन ना आती, और बीसीएन परफेक्ट होती तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म ना आती, एंड सो ऑन, फिफ्थ भी ना आती। ठीक है, तो बेसिकली थर्ड नॉर्मल फॉर्म कोई परफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एडिक्वेट है। ठीक है, दैट इज मतलब एडिक्वेट है बट इट इज नॉट परफेक्ट। ओके, तो कारण ये परफेक्ट क्यों नहीं है, वो कारण मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, मतलब कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर करूंगा कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म परफेक्ट क्यों नहीं है और बीसीएन फिर आगे क्यों आई, एंड सो ऑन, वो सब हम बाद में देखेंगे। बट फिलहाल हमारी कंसंट्रेशन है कि हमें चेकिंग करवानी है आपको कि डीकम्पोजिशन लॉसी है या लॉसलेस है, और एफडीज प्रिजर्व हुई है कि नहीं, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि गुड डीकम्पोजिशन आ रही है कि नहीं। गेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इज दिस डीकम्पोजिशन गुड और नॉट, एंड सो ऑन, उस सब की हम पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ओके।